आप कहते हैं रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। तो हमने इश्यू की एंट्री है देखिए पार प्रीमियम डिस्काउंट, अब देखेंगे रिडक्शन की एंट्रियां, रीपेमेंट करेंगे जब डिवेंचर को चार साल पांच साल बाद जो भी उसका टाइम है दस साल के लिए बाद। पार प्रीमियम या डिस्काउंट, डिस्काउंट पर कभी नहीं होगा, क्यों, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन पार का मतलब सौ रुपए का है तो सौ के बदले सौ देंगे, प्रीमियम सौ के बदले एक सौ दस मतलब हंड्रेड प्लस कुछ एक्स्ट्रा देंगे, तो लोन देने वाला खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, वही मैं सौ रुपए आपसे लू और पांच साल बाद दूंगा आपको, तो या तो मैं कहूंगा सौ रुपए दे दूंगा आपको पार पे, या ऐसे कहूंगी एक सौ दस दूंगा, अच्छा लगे बढ़िया है, लेकिन मैं आपसे ऐसे कहूँ कि सौ रुपए दे पांच साल बाद दूंगा निन्यानवे रुपए, आप निन्यानवे रुपए दूंगा दोगे ही नहीं उसको, दोगे क्या, अरे और एक तो पांच साल बाद देगा उसमें से भी काट लेगा, मैं नहीं देना तेरे को, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है, तो इसलिए ये केस नहीं होगा आपका डिस्काउंट वाला। अब पार प्रीमियम इस पे हो सकता है, तो अब इसमें पार वाले में तो कोई टेंशन होगी नहीं, इस प्रीमियम वाले का चक्कर है सारा, इस प्रीमियम वाले का, तो ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये चीज पहले ही मालूम होती है जब इशू करते हैं, तभी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती है, जब डिबेंचर इशू करेंगे तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी कि भैया तेरे को इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट की ये डेट होगी, तेरे पेमेंट पांच साल के बाद में होगी, सारी चीज लिखी होगी, तो पेमेंट की टर्म्स में ये भी लिखा होगा कि पेमेंट पार पे होगा, प्रीमियम पे होगा, डिस्काउंट पे लिखा होगा, तो ये आपको पता है ना स्टार्टिंग में कि ये लॉस होगा, और कौन सा लॉस होगा, एक ये भी कंपनी के लिए लॉस है ना, इशू के टाइम पे अगर अपन डिस्काउंट पर इशू करें, सौ रुपए की चीज डब्बे में दे रहे हैं, पचानवे में कितने भी दे रहे हैं, सौ से कम पे, तो ये भी लॉस है, ठीक, इसकी तो अपन एंट्री सीख गए, इस पार्ट का भी देखा नहीं था, पर ये भी लॉस है, ये बात तो कंफर्म हो गई, और अपने को इशू करते टाइम मालूम है ना, तो भाई जब इशू करते टाइम मालूम है तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, उसमें क्या बताता है भाई, कंसीडर ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इन फ्यूचर बट डू नॉट कंसीडर एनी एंटीसिपेटेड गेन और इनकम। चलो कुछ नहीं सर, मैं हिंदी में अभी आराम से समझा सकता हूं, अपना कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई अपन फ्यूचर में कोई भी लॉस या एक्सपेंसेस होने वाले हैं जिसकी संभावना है, तो उसको अपन अभी परसेंटली रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन करते हैं ना उसका, भाई फ्यूचर में कोई भी लॉस या एक्सपेंसेस होने वाले हैं, अगर हमें लगता है कुछ एक्सपेंस होने वाला है, लॉस होने वाला है, थोड़ी सी भी संभावना है तो उसको अकाउंटिंग कर लो उसकी, ये प्रोविजन है, लेकिन अगर कोई गेन और इनकम होने वाली है उसको मत रिकॉर्ड करो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने को पता ही होने वाला है, तो इसकी रिकॉर्डिंग कब होनी चाहिए, इशू के टाइम हो जानी चाहिए ना, होनी चाहिए, बस यही देखेंगे, और इसका तो देख लेंगे, अब हो गया पॉइंट खत्म, अब आराम से, अब देखो सबसे पहले केस, अगर मान लो इशू पार पे हुआ, इशू कौन सा हुआ, पहला इशू पार पे और रिडम्पशन भी किस पे, पार पे, ठीक है, इशू भी पार पे और रिडम्पशन भी पार पे, तो इशू की एंट्री क्या होगी, इशू की एंट्री पता है, और एक्चुअली अपना डिवेंचर कितने का है, सौ रुपए इसकी फेस वैल्यू है, सौ रुपए का एक डिवेंचर है, अब एक हो या पचास हो या हजार हो तो मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे उसमें क्या है, तो ये एक तो अपन ने इशू किया इसको पार पे, और रिडम्पशन किस पे, पार पे, यानी कि सौ रुपए में इशू किया और सौ रुपए देंगे, तो कोई फ्यूचर में तो लॉस नहीं है, प्रेजेंट में भी लॉस नहीं है, तो ये सिंपल एंट्री इसकी तुम्हें आती है, बैंक टू ये 10% डिवेंचर है, ठीक है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आ गए सौ रुपए, ये ठीक है, ये तो इशू की एंट्री हो गई, एक और एंट्री होती है इसके अंदर, वो दूसरी वाली 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 टू 10% डिवेंचर, ठीक है, ये एंट्री होती, इसकी मैं डायरेक्शन कर लेता बैंक टू 10% डिवेंचर, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है,
स्टार्टिंग में नहीं करते पर आप दो करेंगे, ये एंट्री इश्यू के टाइम होगी। अब रीपेमेंट के टाइम पे यह एंट्री होगी, रीपेमेंट के टाइम पे अब ये डिवेंचर वापस ले लेंगे इससे, तो ये खत्म होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। अब ये लायबिलिटी है ना, बढ़ गई, लोन लिया है और अब कम होगी, कम होगी तो ये 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। भाई ये तो हमेशा यही वैल्यू आएगी, डिवेंचर तो पूरा ही आएगा, हिस्सों का ही रहेगा, मिलता भी पूरा जाएगा भी पूरा टू डिवेंचर होल्डर, जैसे शेयर होल्डर होता है ऐसे डिवेंचर होल्डर। ले भाई 100 रुपए और फिर इसको पेमेंट कर देंगे तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100 100 पेमेंट हो गई इसकी खत्म। तो ये पार का केस था, पार पे पेमेंट हो गई। अब दूसरा केस देखते हैं, प्रीमियम पे इशू किस पे, प्रीमियम पे और रिडम्पशन किस पे, पार पे। तो यानी कि पेमेंट में तो कोई लॉस है नहीं, पार पे 100 रुपए का ही देंगे और इशू में फायदा हो गया अपने को, ठीक है। ये मान लो इशू प्राइस इसकी कितनी है, 105 रुपए, ठीक है, और अगर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो 98, 2 रुपए डिस्काउंट का दे देते हैं, ठीक है। और ये तो 100 का ले गई। तो अब सेकंड केस, इशू किस पे, प्रीमियम पे और रिडम्पशन पार पे। तो प्रीमियम पे तो यहां पैसे कितने आ जाएंगे आपके पास में, 105 रुपए, 105। ये तो 100 ही रहेंगे डिवेंचर, तो 100 ही रहेंगे, बाकी जिसमें चले गए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपए, ठीक है। ये तो करिए एंट्री, आ रही समझ में, कर दी। और रीपेमेंट इस पे पार पे, तो वही एंट्री बिल्कुल सेम, तो डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 100 रुपए और पार पे तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इधर, अब अगला क्या, डिस्काउंट वाला, इशू डिस्काउंट पे लेकिन रिडम्पशन पार पे। तो डिस्काउंट पे इशू है तो लॉस होगा, डिस्काउंट पर इशू है तो लॉस होगा। तो डिस्काउंट पर कितने पैसे आए, 98 98, ये तो 98, तो 100 करने मुझे पूरे, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाता है, ये आपको पता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2 रुपए, ये तो 100 ही रहेगा, ये गायब, ठीक है, ये भी सही है इशू के टाइम पे। और पार पर रिडक्शन है तो सेम एंट्री होगी, ठीक है, डाउट है तो बताओ। अब आगे चलते हैं, बड़ा आसान है। अब करते हैं दूसरा केस, अब आते हैं प्रीमियम पे। ठीक है, प्रीमियम पे, अब प्रीमियम के अंदर इशू किस पे है, इशू किस पे, अब इस पे मैं कर रहा हूं, ये पहला केस ले लिया मैंने पार के तीनों में, अब मैं ले रहा हूं ये प्रीमियम वाला, ये वाला ले रहा हूं, ये वाला नहीं, ये तो हो ही गए तीनों, ये तीनों किसके साथ, पार के साथ हो गए, ये तीनों केस देख लिए मैंने पार के साथ। अब प्रीमियम का देखता हूं, तो ये देखो पार के केस में हमेशा यही एंट्री रही सबकी, केस कोई सा भी हो पेमेंट की एंट्री यही रही। अब प्रीमियम की देख लेते हैं, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो तो प्रीमियम का केस पार के साथ में, पार इशू किस पे है, इशू पार पे, इशू पे ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, लेकिन रिडम्पशन पे यह लॉस है, 10 रुपए का लॉस है, ठीक है। तो इशू पर लॉस है तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखो उस लॉस का ट्रीटमेंट यही होगा सारा, ठीक। तो इशू पर कितने पैसे है, 100 रुपए है, 100 रुपए और इशू पर 100 रुपए और रिडम्पशन पर प्रीमियम देना 10 रुपए का, तो लॉस है हमारे को, तो ये तो 100 पूरा आता ही है, ये तो 100 आ गया। अब ये लॉस हमें देना है फ्यूचर में, हमें पता है भी देना है, तो इसकी एंट्री ये पॉइंट है इसका सबसे बड़ा पॉइंट, तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर
₹10 का लॉस है और एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली हमने, फ्यूचर में दे देना ₹10 एक्स्ट्रा, इसके बराबर ये दोनों बराबर चलेंगे, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ₹10, ये दोनों अमाउंट बराबर बराबर चलेगी। बात समझ में आ गई भाई? ये तो ₹100 आए थे तो ₹100 दे दिए मैंने, ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये लॉस होगा, प्रीमियम देना तो लॉस हो गया, फ्यूचर में देना तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10, ये तो लॉस एक्सपेंस हो गया और ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई आपकी। ये देने है ना आपको, तो किस नाम से देना? प्रीमियम के नाम से, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10, ठीक है। अब रीपेमेंट, जब ये पेमेंट होगी तो ये एंट्री तो यही आएगी 10% डिवेंचर 100, ये वाली वैल्यू तो हमेशा एज इट इज आएगी, ठीक है। एक तो ये आ गई, तो इसको कितने देने हैं? ₹110 देने हैं, तो और दूसरे कौन से देने होंगे? अब ये भी आ जाएगा इधर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ₹10, क्रेडिट हुआ था लाइबिलिटी थी, अब पेमेंट कर देंगे खत्म, डेबिट हो गया ना ये, ठीक है। तो 10 टू डिबेंचर होल्डर ₹110 और अब डिबेंचर होल्डर टू बैंक ₹110। पेमेंट वाली एंट्री में तो क्या टेंशन है, जितने का होगा उतना हो जाएगा। आगे समझ में कोई डाउट? फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से रिपीट कर दूंगा एक बार भाई। अब अपन रिडम्पशन के, अब ये तीनों केस पहले पार के साथ कर लिए, अब प्रीमियम का देखते हैं, अब प्रीमियम के साथ देखेंगे सारे केसेस को। तो पहले देखते हैं इशू पार पे और रिडम्पशन प्रीमियम पे। तो इशू पे तो कोई लॉस है नहीं, लेकिन रिडम्पशन पे ₹10 एक्स्ट्रा देते हैं, लॉस है, ठीक है। तो पहले बैंक में पैसे कितने आएंगे? पैसे तो 100 ही आएंगे, 100 आ गए पैसे। अब इसके बाद भी अपन ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लेकिन इसमें 10 का लॉस है, तो इसकी एंट्री अभी करेंगे क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में होगा, देना पड़ेगा। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ₹10 और क्रेडिट में टू प्रीमियम और रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, ये बराबर चलेंगे दोनों में दोनों, ठीक है। ये हमेशा बराबर चलेंगे दोनों एंट्रियां बराबर। अब जब रीपेमेंट का टाइम आएगा 5 साल 10 साल जितने भी साल बाद में, तो उसके टाइम क्या एंट्री होगी? ये पड़ेगी, ये तो हमेशा आता है, ये डिबेंचर ₹100 का। अब ये प्रीमियम हो रहा जाएगा, डायरेक्ट प्रोवाइड कर रखा था ना, लाइबिलिटी बना रखी थी, अब आ गया इसका टाइम, तो डेबिट करके खत्म और डिबेंचर होल्डर 110 और पेमेंट होगी 110। अब देखते हैं इसके बाद में, इसमें सबसे बेहतर केस आएगा ये वाला। अब बस यही एग्जाम में आएगा तुम्हारे को, आ तो कोई सा भी सकता है, पर इसमें अगर इसमें चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ना, तो वो प्रीमियम के साथ आएगा इनमें से कोई सा, और उसको फेवरेट है ये वाला, क्योंकि इसमें डबल लॉस है, एक तो इश्यू के टाइम लॉस है और एक रिडम्पशन के टाइम लॉस है। पर तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, अपन ने तो सी किया, इस पे चिपका देंगे एक और, बस हो गया काम खत्म। अब ये देखो, अब की बार क्या है, अब इशू इस, अब की बार इशू प्रीमियम पे और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, यानी इशू पे फायदा और रिडम्पशन पे घाटा। तो इसमें देखते हैं इसमें कितने पैसे आएंगे, इसमें पैसे कितने आ जाएंगे। अब कौन सा केस है? प्रीमियम के अंदर, ये प्रीमियम टू प्रीमियम ऐसे समझ में आ जाएगा, वैसे तो सब समझ में आ रहा है, इशू भी प्रीमियम पे, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे। तो प्रीमियम में पैसे आए ₹105, तो ये डिबेंचर एप्लीकेशन वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 105 इसमें से डिबेंचर कितने? 100 के और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ₹5। अभी तो मैंने इसको भरा खाली है ना, हमें फायदा हुआ तो आगे ₹105, ₹100 डिबेंचर में, ₹5 सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब फ्यूचर में लॉस है प्रीमियम पे, कितना प्रीमियम? ₹10 प्रीमियम। तो उस लॉस के लिए देखो क्या था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम आ गया, बस जैसे है वैसे डाल दिया उसको, ऐसा करना छिड़ेंगे नहीं। और ये एंट्री कैसी होगी? ये तो सेम की सेम रहेगी, ये वैसे ही आएगा वो सारा का सारा जैसे आ रहा था, ये तो सेम ही रहेगा, एंट्री सेम रहेगी, ठीक है ना। अब अगला केस देखते हैं डिस्काउंट वाला,
भाई पूछ लेना अगर समझ में नहीं आए तो, फिर नहीं तो मैं आगे करता जा रहा हूँ। अब डिस्काउंट इशू डिस्काउंट पे और रिडम्पशन तो प्रीमियम पे है ही, तो अब की बार डबल लॉस आ गया इसका, इशू पे भी लॉस है। तो इशू पे कितने पैसे आए इसके पास में, 98 और ये पैसे कितने आए 98, पर ये तो 100 ही देंगे, तो 2 रुपए का डिस्काउंट और आ गया। तो एक तरीका तो ये कि इसके साफ कर सकते हैं डिस्काउंट प्लस 2, टोटल लॉस 12 हो जाए, लेकिन फिर यहां 10 ही रहेगा, यहां 12 नहीं होगा। तो तुम्हारे पास तो अलग कर देना डिस्काउंट को, डिस्काउंट वाला अपने को पता है ना, तो डिस्काउंट को डाल देंगे। ₹2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ₹2, ठीक है, हो गए पूरे, ये हो गए ना 2 और 98 100। और ये तो ऐसा क्या सर, मतलब इसकी तो फिल्म में तभी आएगा जब प्रीमियम होगा रिडम्पशन पे, रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम हो तो ये दो आइटम डेबिट में क्रेडिट में बराबर बराबर आएंगे, बस ये समझ लेते, केस चाहे कोई सही हो बाकी कुछ नहीं छेड़ा मैंने, और पेमेंट ऐसी कैसी होगी प्रीमियम की सेम एंट्री, ठीक है। अब हो गए केस खत्म, अब कोई केस बचा ये कभी आएगा नहीं एग्जाम के अंदर, ये कभी नहीं आएगा। तो इसके अंदर 6 केस बनते हैं आपके, या तो पार पे इशू हो और रिडम्पशन भी पार पे हो, एक केस हो गया इशू प्रीमियम पे रिडम्पशन पार पे, 2 केस हो गए इशू डिस्काउंट पे रिडम्पशन पार पे, तीसरा केस हो गया, फिर उसके बाद 3 केसों को इसके साथ चलाओगे तो 3 × 2 = 6 हो गए, 3 × 3 = 6, ये 6 केस होंगे। अगर ये आ गया आपके पूरे 6 केस का क्वेश्चन आ गया तो फोकट के आपके इस बार 8 नंबर आएंगे, क्योंकि कंपनी का या तो शेयर का केस आता है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, एग्जाम के अंदर शेयर वाला ही केस आता है बड़ा वाला क्वेश्चन, और या फिर कभी कभार गलती से 2-3 साल में एक बार आ जाता है डिवेंचर वाला, इस बार शायद दे देंगे आपको डिवेंचर वाला, क्योंकि सोच रहे हैं कि बच्चे पास हो जाए आराम से पढ़ते उड़ते लिए, तो आसान सा ये एक बार कर लिया बस हो गया, अब आपके सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब अपनी किताब निकाल लो, अब इसको नोट कर, नोट तो गया तो हो जाएगा, समझ में आ गया ना सारा, बस एंट्री एंड किताब में लिखी हुई है तो मैं प्रोसेस बता दिया, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है किताब निकाल लो, इलेक्ट्रिशियन देखो 50 राधे लिमिटेड इशूड 5,006% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, यानी कि 5,000 डिवेंचर है, 10% 6% डिवेंचर है, 6% डिवेंचर है, कितने 5,000 डिवेंचर है और 100 रुपए के हैं, और इशू किस पे किया है इसको पार पे, और रिडम्पशन किस पे वो देख लेते हैं, विच आर रिपेबल एट पार, और रिडम्पशन भी पार पे है, ठीक है। तो ये आपका केस नंबर 1 हो गया आपका, इशू पार पे रिडम्पशन पार पे 15 इलस्ट्रेशन 15, तो इसकी एंट्री कर दो गिव जनरल एंट्रीज, तो ये तो अभी करेंगे, डेट इसमें दी नहीं है आपको, अगर डेट वाले कॉलम में भरनी है तो अभी कर दोगे टुडे इशू वाले टाइम पे, और उसके बाद में जैसे फिल्मों में आता है ना सीन आफ्टर 5 ईयर्स 5 ईयर्स लेटर ऐसे लिख देना 5 ईयर्स लेटर रिडम्पशन हो जाएगा, हो जाएगी सिंपल एंट्री। आगे देखो अगला 16वां क्वेश्चन देखो 16 में क्या, श्याम लिमिटेड इशू 5,007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2% विच आर रिपेबल एट पार, रिपेमेंट तो पार पे है। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन में 6% की जगह 7% करती है, इशू किस पे आपका डिस्काउंट पे, और 2% डिस्काउंट है तो इसका 2% कितना होगा 2 रुपए, तो इशू प्राइस क्या बनी 98 100 - 2 98, तो यानी इशू पे लॉस है आपका, लेकिन रिडम्पशन पार पे है, तो रिपेमेंट की तो यही एंट्री पड़ेगी सिंपल सी, रिपेमेंट वाले में ये फर्स्ट केस पार वाली एंट्री पड़ेगी, इशू के टाइम पे ये आ जाएगा खाली डिस्काउंट कर लोगे हो जाएगी ना। लो इसमें दिखा देते हैं, बैंक में पैसे है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 5,000 × 98 के हिसाब से आएंगे एप्लीकेशन 5,000 × 98, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन के 98 के हिसाब से 490, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5,000 × 2 = 10,000,
हो गए, अपनी किताब में देखते रहो साथ साथ में, 10,000 टू डिवेंचर 5 लाख के डिवेंचर हो जाएंगे। अब रीपेमेंट जब करेंगे, और देखो इसमें आप लोग पढ़ते भी हो, इसमें ना आपसे इसमें ना रीपेमेंट की एंट्री आएगी, पूछेगा आपसे, पूछ भी सकता है वो, इशू की एंट्री जरूर पूछेगा। तो भाई आपको समझ में आया नहीं है तो संकट पे तो है नहीं अपन। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ डिवेंचर, इशू को अंडरलाइन करो, इशू 15वें में भी और 16वें में भी इशू को अंडरलाइन करो, लेकर अंडरलाइन इशू को। अपने से सिर्फ इशू के पॉइंट पे एंट्री पूछी है, रिडम्पशन वाली पूछी नहीं है, लेकिन अगर आपको आके कर भी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन टाइम की बात होती है, जो पूछा है वही नंबर तो उतने मिलेंगे, ये थोड़ी कि वो कर दिए तो ज्यादा नंबर दे देगा, इसलिए इस क्वेश्चन में रिडम्पशन की एंट्री नहीं करी। पर आप लोग कर दोगे दोनों केसेस में क्या एंट्री होगी, यहां ध्यान दो, दोनों केसेस में आपको रिडम्पशन की भी अपनी कॉपी में कर लेनी है, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 5 लाख पहले वाले में और डिवेंचर होल्डर टू बैंक, दोनों में यही एंट्री पड़ेगी 5 लाख की। डिवेंचर तो पूरा ही दिए ना 5 लाख के, तो पूरा आएगा। अब देखते हैं अगला 17वां क्वेश्चन, 17वें में दिया हुआ है ग्रीन लिमिटेड इशू 2010% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। अब 2000 है 100 ईच के एट 105 पर डिवेंचर, यानी कि 5 रुपए प्रीमियम पे इशू किया इसके, विच आर रिडीमेबल एट पार, और रिडम्पशन लेकिन पार पे होगा, तो गिव जनरल एंट्रीज फॉर द इशू, इशू की एंट्री देनी है। तो इस केस में प्रीमियम आ जाएगा 105 रुपए के हिसाब से आ जाएगा, 105 × 2000 तो 210,000 बैंक में आ गए, उसके बाद में ट्रांसफर में 10,000 प्रीमियम में चले जाएंगे 5 × 2000, ठीक है। और रीपेमेंट की यही एंट्री होगी, अब कितने से एंट्री होगी है 2 लाख से, ठीक है। इसके बाद में अगला देखो 18वां, सीता लिमिटेड इशूड 5,006% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। अब 105,000 6% डिवेंचर है 100 रुपए के पार पे इशू किए, विच आर रीपेबल एट 5% प्रीमियम, लेकिन रीपेमेंट किस पे होगी 5% प्रीमियम पे होगी, तो इशू के टाइम पे तो क्या आएंगे 100 रुपए आएंगे, पहली एंट्री में तो वो 100 रुपए के हिसाब से होगा, ठीक है। तो कितने देंगे 5,000 × 100 5 लाख, देखो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 5 लाख, लेकिन इसके बाद में डिवेंचर एप्लीकेशन 5 लाख, लेकिन मुझे ये पता है फ्यूचर में 5 रुपए का मुझे क्या देना पड़ेगा, 5,000 × 5 25,000 प्रीमियम, तो ये इसमें आ जाएगा लॉस में, इधर आएगा तो इधर भी आएगा, देख लो अगली एंट्री लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 25 और नीचे प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना। और रीपेमेंट की एंट्री कैसे होगी, ये वाली, ये 5 लाख ये 25,000, ठीक है हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, राम लिमिटेड इशू 4,007% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2% इशू डिस्काउंट पे, यानी 100 रुपए का है 2 रुपए डिस्काउंट पे, यानी कि 98 पे इशू किया, और इसके बाद विच आर रीपेबल एट 4% प्रीमियम, और पेमेंट में भी घटा डबल घटा 4 रुपए का लॉस उसमें, अच्छी बात है एंट्री कर दो इशू की। तो इसमें क्या होगा, पहले तो 98 के हिसाब से पैसे आ जाएंगे, 98 × कितने 4,000, ठीक है पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री के अंदर ये हो जाएगा डिस्काउंट आपका 2 रुपए के हिसाब से 4,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ये आपका 4 रुपए के हिसाब से आ जाएगा, ये 4 ये 4 इंटू ये तो पूरे कितने आएंगे 98 ये 100 हो जाएगी एंट्री पेमेंट की, यही होगा ना। अब आप लोग अपने उसमें पेमेंट की एंट्री भी कर लेना। इसके बाद देखो 20 व्हाइट लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 104 पर डिवेंचर इशू है प्रीमियम पे, विच आर रीपेबल एट 5% प्रीमियम, इशू 4% 4 रुपए प्रीमियम पे और रिडम्पशन प्रीमियम पे। तो भाई इशू के टाइम तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे लॉस है, तो रिडम्पशन का लॉस तो आ जाएगा इसमें, और इशू प्रीमियम पे तो इशू पे कितने आ जाएंगे 100 कितने 104 रुपए के हिसाब से, बैंक में पैसे कितने आएंगे 104 के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में 4 रुपए किसमें चले जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे, और पेमेंट की एंट्री यही होगी, हो जाएगा खत्म। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट वो तो मैं पहले ही दिखा चुका तुम्हारे को, डिस्क्लोजर दिखा चुका ना बैलेंस शीट में, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आता है। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टैक्स एट सोर्स,
एक टॉपिक इसमें ले रहे हैं वो कल करा नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि एक दिन में इतना ही कर लो। मेरे को तो 2 मिनट लगेंगे, मेरे को 2 मिनट में खत्म कर दूंगा इसको पूरे चैप्टर को, और आपको अभी समझ में आ जाएगा, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अब एक इंटरेस्ट का पॉइंट है, अनसोल्व क्वेश्चन देखते हैं इसके कितने कर सकते हो आप। अनसोल्व क्वेश्चन 16 तक करा देते, इसके बाद कर ये अरे यार बात है मत करो यार, ठीक है। गजेंद्र लिमिटेड वाला हो गया था, गजेंद्र लिमिटेड 2K लोन, ये तो हो गया था 5 लाख फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, ये तो कोलेटरल वाला है 6, और ये 18वां भी कोलेटरल वाला है, कर लोगे 17-18 हो जाएंगे ना आपके कोलेटरल वाले थे। 20वां बीफ नेसेसरी जनरल एंट्री, ये वाला केस आ गया। ये 19वां देखो केस यही आ गया, जनरल एंट्री देनी आपको, एक कंपनी इशू 10,000 पार और फिर रिडीमेबल एट प्रीमियम, पर इसमें पढ़ लेना एंट्रीज किसकी देनी है, इशू की देनी है भाई। आप एग्जाम में अच्छी तरह पढ़ लेना, इशू और रिडेम्पशन दोनों बोलिए क्या, और नहीं है तो दोनों करिया ना, ठीक है। उसके बाद में ये राकेश लिमिटेड ऑफर डिवेंचर की जनरल फूड्स कंपनी पार्टनर डिवेंचर कर, बस एक ही क्वेश्चन दे रखे हैं, बस ये एक की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ये आएगा है कि इसमें और कुछ होता नहीं है, बस ये चीजें एंट्री है इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब एक इंटरेस्ट का पॉइंट और राइट ऑफ करने का वो बाकी है, वो करा देंगे लोग उसको भी कर देना ही नहीं। चलो इंटरेस्ट वाला पॉइंट करा देता हूँ आपको, ये नोट शोट कर लिया क्या है, कर लिया? अरे नहीं किया तो वहां पे देख लेता, उसका यहाँ पे तो देखो मना कर दिया तुमने, लाइव क्लास नहीं होनी, उसमें वीडियो नहीं भेजना, तो मैं तो उस पर तो डाले रहूंगा, तो लिंक गया आपके पास माता के पॉज करके दे, फोटो भेज लेना। अब हमारे आईपी वाले आने वाले हैं, कितना टाइम बाकी है, 5 मिनट अभी कितना हुआ है, 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आगे सर है, अबे क्या ठीक है, अबे क्या आईपी वाले, ठीक है, चल चले काट दो।